तैमूर अली खान बॉलीवुड के उन स्टार किड्स में से एक है जिनकी पॉपुलैरिटी किसी स्टार से कम नहीं है। तैमूर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आए दिन छाई रहती हैं। लेकिन अब तैमूर की वजह से ही उनकी मम्मी करीना कपूर खान बॉलीवुड के दिग्गज निर्माता निर्देशक के साथ काम नहीं कर पा रही है। दरअसल हाल ही में करीना कपूर खान ने संजय लीला भंसाली के साथ काम करने की इच्छा जताई थी, लेकिन करीना का ये सपना सपना ही रह गया और कहा कि ये तभी पूरा हो पाएगा जब तैमूर 10 साल के हो जाएंगे। करीना ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि भंसाली एक्टर्स से शूटिंग के लिए एक साथ तारीखें लेते हैं और फिल्म के कलाकारों को पूरा ध्यान फिल्म और किरदार पर देना होता है। वहीं तैमूर अभी महज 2 साल के हैं। करीना ने आगे ये भी कहा कि वो भंसाली को उनकी मर्जी का समय नहीं दे पाएंगी। आपको बता दें कि भंसाली साल 2000 में आई फिल्म बाजीराव मस्तानी में सलमान और करीना को एक साथ लेना चाहते थे। दोनों का फोटोशूट भी हुआ था, लेकिन किसी कारण ये तब फिल्म नहीं बन सकी। इसके बाद भी भंसाली ने साल 2015 में करीना को उनके सुपरहिट फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला में रणवीर सिंह के साथ ऑफर की थी, लेकिन तब करीना को लगता था कि रणवीर अभी नए हीरो हैं और उनकी पॉपुलैरिटी के सामने बराबर नहीं बैठते। जिसके बाद ये फिल्म रणवीर और दीपिका पादुकोण ने की और इसी फिल्म से दोनों स्टार्स की लव स्टोरी की भी शुरुआत हुई। आखिरी बार करीना संजय लीला भंसाली की होम प्रोडक्शन फिल्म गब्बर इज बैक में कैमियो रोल में नजर आई थी। फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार भी थे। वही करीना और सैफ तैमूर की बढ़ती पॉपुलैरिटी को खतरे की घंटी मान रहे हैं और फोटोग्राफर से अपील कर चुके हैं कि वो उनके बेटे का पीछा ना करें और ना ही तैमूर की तस्वीरें खींचे। यहां तक कि सैफ और करीना चिंतित हैं कि कैमरों की इस कड़ी निगरानी वाले दौर में उनका बेटा कैसे सहज ढंग से बड़ा हो सकेगा।